बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने शनिवार को कहा कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में कप्तान विराट कोहली और चयनकर्ताओं से जरूर बात की होगी। धोनी वनडे वर्ल्ड कप में भारत के सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं, जिससे उनके भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। गांगुली ने हाल ही में कहा कि धोनी ने जरूर कप्तान से बात की है और मुझे यकीन है कि चयनकर्ताओं से भी बात की होगी। मुझे नहीं लगता कि इस बारे में बात करने के लिए कोई मंच है। उन्होंने साल 2011 वर्ल्ड कप विजेता पूर्व कप्तान की तारीफ करते हुए कहा कि धोनी जैसा खिलाड़ी मिलना मुश्किल है। गांगुली ने भी कहा कि धोनी का फैसला होगा कि वो क्या करना चाहते हैं। मैंने उनसे कोई बात नहीं की, लेकिन वो भारतीय क्रिकेट के चैंपियन हैं। 38 साल के महेंद्र सिंह धोनी आखिरी बार ब्लू जर्सी पहने आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में नजर आए थे। 47 साल के गांगुली ने कहा कि आपको अगला एमएस धोनी जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन तय उन्हें करना है कि वो खेलना चाहते हैं या नहीं, यह उनका ही फैसला होगा। धोनी ने अपने भविष्य के बारे में बात करते हुए अभी तक कुछ नहीं कहा है। मुंबई में कार्यक्रम में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के सवाल पर कहा था कि जनवरी 2020 के बाद ही ये सवाल पूछा जाए। हाल ही में भारत के आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाने के सवाल पर गांगुली ने कहा कि वो विराट और कोच शास्त्री को इस पर बात करने के लिए कहेंगे। वर्ल्ड कप के दौरान धोनी अपनी धीमी बल्लेबाजी की वजह से आलोचकों के निशाने पर रहे। वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में रनआउट हो गए थे, जिसके बाद ही भारत की उम्मीदों पर पानी फिर गया था। टीम इंडिया के वर्ल्ड कप से बाहर हो जाने के बाद धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक ले लिया। उन्होंने इस दौरान टेरिटोरियल आर्मी यूनिट के साथ कश्मीर में 15 दिन बिताए। वो वर्ल्ड कप के बाद से किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज का हिस्सा नहीं रहे। माना जा रहा था कि धोनी 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने धोनी की वापसी के संकेत दे दिए। हाल ही में शास्त्री ने एक इंटरव्यू में कहा था कि धोनी का ब्रेक लेना समझदारी भरा है, मुझे उस समय का इंतजार है कि जब वो दोबारा खेलना शुरू करेगा। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।